नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 20 अक्टूबर 2020 है। 20 अक्टूबर 2020 की बड़ी खबरें क्या है? भारत में कोरोना संक्रमितों का अब तक का कुल आंकड़ा 75,52,000 हो गया, लेकिन इनमें अधिकांश लोग ठीक हो गए हैं। अभी मात्र 7,73,000 केस ऐसे बचे हैं जिनका इलाज चल रहा है। भारत में कुल कोरोना संक्रमितों में से 66,60,000 संक्रमित स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। अब तक मरने वालों की संख्या 1,14,000 है। इधर कोरोना मसले पर वैज्ञानिकों ने राहत वाली खबर दी है। वैज्ञानिकों की नेशनल सुपर मॉडल समिति ने दावा किया है कि देश में कोरोना का पीक सितंबर में ही आ चुका था। कोरोना फरवरी 2021 में समाप्त हो जाएगा। हालांकि ठंड में दूसरी लहर आने की आशंका भी जताई गई है। इधर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मुसलमान के लिए हिंदुस्तान से अच्छा कोई देश नहीं। वे बिहार के अररिया में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने सौहार्द की बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान के हिंदू से अच्छा कोई दोस्त नहीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई अच्छा प्रधानमंत्री नहीं। उन्होंने कहा, आप अपने परिवार की रक्षा के लिए भाजपा को वोट करें। आज से 2 दिनों के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार के दौरे पर हैं। पहले दिन वे बक्सर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, तो 21 अक्टूबर को भेतिया और मोतिहारी में एनडीए के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। चुनाव के मौसम में सियासी पलटवार जारी है। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने ट्वीट कर बिहार में प्रवासी मजदूरों और युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर नीतीश को घेरा है। विदेश से शिक्षा लेकर लौटी प्लूरल्स पार्टी की प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा, मैं सीएम बनी तो सभी नेताओं और अफसर के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। उन्होंने घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है जिसमें कई वादे किए गए हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जंगल राज वालों को लौट कर नहीं आने दें। डिप्टी सीएम पूर्णिया में एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर बोल रहे थे। उन्होंने बिहार सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। जन अधिकार पार्टी के 11 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हो गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन के संयोजक राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने इसे साजिश बताया है। पप्पू यादव ने कहा, एक साथ 11 नामांकन रद्द होना साजिश नहीं तो और क्या है। मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह का नामांकन वैध करार दिया गया, तो उनकी धर्मपत्नी नीलम देवी ने नामांकन वापस ले लिया। नीलम ने मोकामा से निर्दलीय पर्चा भरा था, जबकि अनंत सिंह ने राजद से नामांकन किया है। कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव के लिए 22 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। सभी बूथों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। पूर्णिया जिले के 2 बड़े गठबंधन दलों के प्रत्याशियों ने सदर विधानसभा से नामांकन पर्चा दाखिल किया। इनमें एनडीए से भाजपा के प्रत्याशी विजय खेमका और महागठबंधन के प्रत्याशी इंदु सिन्हा हैं। बेगूसराय जिले के गाड़ा गांव में महज 7 धूर जमीन यानी 776 वर्ग फीट जगह के लिए पट्टीदारों ने पिता पुत्र की हत्या कर दी। मृतकों में कमलेश्वरी सिंह और उनके पुत्र ओम प्रकाश हैं। खनन विभाग ने बांका के शंकरपुर मोड़ के समीप एक ओवरलोड बालू ट्रक जब्त किया। ट्रक कटिहार जिले का बताया गया। मौके पर चालक चकमा देकर फरार हो गया। झारखंड से लाई गई शराब भागलपुर जिले के एकचारी स्टेशन पर मिली। रेल पुलिस ने बोरी में छिपे 40 बोतल शराब बरामद किया है। निरीक्षण के दौरान बोरी भरी शराब का कोई दावेदार नहीं मिला। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भतोड़िया चौक पर एक पिकअप वैन की चपेट में एक बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान सजौर फतेहपुर के लिपिक कपिल देव राम के रूप में हुई। इधर ड्राइवर को स्थानीय लोगों ने पकड़कर जमकर पीटा। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर प्रखंड के 3 विद्यालयों के हेडमास्टर से निर्वाचन प्राधिकारी ने शो कॉज किया है। कारण, स्कूल स्थित बूथों पर अब तक मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं कराना है। इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है।
गया के दक्षिण गांव निवासी विपिन सिंह के पुत्र गौरव कुमार की हत्या कर लाश तालाब में फेंक दी गई। इस घटना से इलाके में खलबली मच गई। मृतक के घर कोहराम मचा हुआ है। पुलिस मामले की गहन छानबीन कर रही। नवादा जिले के चितरकोली चेक पोस्ट पर झारखंड की ओर से आ रही एक कार से एक बोतल शराब बरामद की गई। शराब के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। कार भी जब्त कर ली गई। रोहतास के कर्मा नवाडीह पेट्रोल पंप के समीप रोड क्रॉस कर रहे एक अधेड़ महिला को किसी वाहन ने जोरदार ठोकर मार दी। महिला की वहीं मौत हो गई। वह नवाडीह सेवक बिघा के स्वर्गीय आशीष सिंह की धर्मपत्नी थी। अररिया शहर में पुलिस ने चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च में DAP, BMP, BSF और महिला बटालियन शामिल थे। विशाल श्रृंखला बना, पूरे शहर का एरिया डोमिनेशन किया गया। वहां हड़कंप मच गया। इधर पूर्णिया शहर से सटे मरंगा पुलिस ने शहर के विभिन्न इलाके में चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस का फ्लैग मार्च देख आपराधिक व असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच गया। कटिहार जिले में एक जीविका दीदी से बाइक सवार 2 झपट्टा मारों ने 1,45,000 रुपये से भरा थैला झटक लिया। घटना दुर्गागंज गांव की है। पीड़िता रजिया देवी ने बताया कि वह दुर्गागंज बैंक से रुपये निकाल अपने गांव संझेली जा रही थी। उनके साथ जीविका की अन्य 2 दीदियां भी थी। रुपये जीविका समूह के सरस्वती ग्रुप का था। मामले की तहकीकात पुलिस कर रही है। कटिहार में ही हथियार और कारतूस के साथ 2 अपराधियों को पुलिस ने शिव मंदिर चौक के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को इसकी गुप्त सूचना मिली थी। इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। किशनगंज के पास रामपुर चेक पोस्ट पर टाउन थाना पुलिस ने करीब 38 किलो चांदी के जेवरात एक कार से जब्त किया। यह कार्रवाई वाहन चेकिंग के दौरान की गई। जब्त चांदी के जेवर करीब 24 लाख के बताए जा रहे हैं। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। खबरें कैसी लगी? अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।